में, रूल्स में एक ही लिखा है कि आप एक से एक ही जिला चूज कर सकते हैं। ठीक, पर दिमाग पर रखेंगे आप लोग, तीन प्रकार की चीजें हमारे लिए सिर्फ वन रक्षक को लेकर के समस्या है, वन रक्षक को लेकर सिर्फ समस्या है, बाकी जेल प्रहरी, इसके साथ एक और है क्षेत्र रक्षक, इसके अलावा डीजे, इन तीनों के साथ कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसको इन्होंने स्टेट कार्डर बता रखा है और इसको बना रखा है जिला कार्डर। अब समस्या ये आई जो आज अधिकारियों से अवगत कराया गया कि समस्या आई कि ये बताइए, लाखों की संख्या में युवाओं ने फॉर्म भर दिए, कैसे एक से ज्यादा जिले, तो क्या आप उन्हें भगा देंगे? तो आज जो बात रखी गई है वो बात इस बात के लिए स्पष्ट तरीके से कि वेबसाइट में डाल करके इस बात से अवगत कराएं कि आपने जब एक, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग फॉर्म भर रहे थे, जब हम लोगों ने सिलेक्शन लिया था, तो एक कोई एक जिला भरने के बाद दूसरे जिले का विकल्प क्या हो जाते थे, बंद हो जाते थे, विकल्प क्लोज। मैंने जैसे मान लिया मैंने उमरिया भरा था तो मेरा एक जिला है, उसके बाद दूसरे विकल्प की आवश्यकता ही नहीं, खत्म। लेकिन इस बार पूरे के पूरे जिले उन्होंने दे दिए, जब पूरे के पूरे जिले दे दिए तो अब बच्चों के साथ समस्या इस बात की आ रही है पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे डालें, एक से ज्यादा जिले भर देंगे तो समस्या, नहीं भरेंगे तो समस्या, क्या करें? मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि एक विकल्प ही भरें, उससे ज्यादा ना भरें। अभी भी आप एक ही विकल्प भर के चलेंगे, कब तक? जब तक या कि मैं दूसरी वीडियो ना बना दूं तब तक, या कि वेबसाइट पर जब तक स्पष्टीकरण ना आ जाए, सरकार पर रत्ती भर भरोसा मत करना इस बात का कि सरकार कोई यहां वहां का कोई मैसेज भेज दे, कोई कह दे हाँ बहुत सारे विकल्प, नहीं, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसको डाउनलोड करके रखना, क्योंकि बहुत बदमाशियां करते हैं लोग। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों को इन्होंने जॉब से निकाल दिया, एमपीपीएससी में बच्चों को कहा है कि आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, रोजगार, जीवित नहीं चाहिए फॉर्म भरते समय, जीवित नहीं चाहिए, ठीक है, फॉर्म भरते समय। वहीं पीवी में कहा क्या कि नहीं चाहिए, मतलब एक ही सरकार के नियम ही नहीं समझ में आ रहे हैं, पीएससी वालों को ले रहे हैं, पीवी वालों को बेचारे बच्चों कॉन्स्टेबल भगा रहे हैं, बहुत परेशान होते हैं बच्चे, इसलिए इनके नियम जो होते हैं जब तक ऑफिशियली ये ना आ जाए, प्लीज ध्यान रखना, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, जब तक ऑफिशियली ना आ जाए आप बिल्कुल भी इस पे कोई भी ऐसी चीज करने का प्रयास मत करना, वरना मैं आपको बता रहा हूं तब तक बड़ी तकलीफ हो जाएगी। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं जरूर, और वो ये हो सकता है, एक ही काम कि जैसे ही ये, जिस दिन या जैसे ही ESB डाल लो, चाहे तो इसको याद रख लो आप लोग, डाल लो ESB.mpgov.in, ये वेबसाइट है जो नई वेबसाइट है, जब तक इस पे अपलोड ना हो जाए कि आप एक से ज्यादा जिले भर सकते हैं, तब तक आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है, एक ही जिले में टिक रखना है, ठीक है? क्योंकि सरकार बोल देगी बाद में हमें तो नहीं पता, हम तो रूल में रूल बुक लिख रखे हैं, तो रूल बुक उन्होंने क्या लिख रखा है, साफ तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, मैं रूल बुक में साफ तौर पर एक ही चीज लिख रखा है, क्या लिख रखा है सुनेंगे आप लोग, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12, रूल बुक का पेज नंबर 11, पेज नंबर 12 आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जब तक इन्होंने नई गाइडलाइंस अपलोड ना कर दें, मैं फिर से आपको कह रहा हूं
जब तक ये अपलोड ना कर दें तब तक हमें नहीं मानना है और ना ही हमें ये सोच के चलना है कि ये सही है। सर एक ही जिला भरा है हमने, बिल्कुल नहीं। देखो सौ की सीधी बात, बाद में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहाने बना देते हैं। हमने एक से जिले डाल दिए, ये कह देंगे हमने साफ तौर पर लिखा, क्योंकि पूरी की पूरी सरकारी वकीलों पूरी भीड़ खड़ी हो जाती, पूरी टीम खड़ी हो जाती कहां पर सरकार को बचाने के लिए कि नहीं नहीं जो हमने किया है वो बहुत सही किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम नहीं तो महिलाएं और एक्स मैन इतने परेशान हुए इन लोगों से, अभी परेशान चल रहे बेचारे, मानने को तैयार नहीं से गलती हुई है। सोचो मानने को तैयार नहीं कि गलती हमसे हुई है। और अभी आप लोग सामने क्या कर रहे हैं लोग, इनको क्या है इनकी मूर्खता सोचो, जब इन्हें एक से ज्यादा तुम विकल्प दे रहे हो, किसके जिलों के, जब एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट विकल्प दे रहे हो तो एक स्पष्टीकरण दो ना कि आप एक से जिले जो भर रहे हैं वो क्यों भर रहे हैं, या कि फिर नहीं तो ये कह देंगे कि पॉइंट नंबर पेज नंबर 11 पर हमने लिखा था कि आप एक ही जिला भर सकते हैं। आप कहोगे कि सर इन्होंने एक से ज्यादा विकल्प क्यों दिए, तो पता क्या बोलेंगे, हमने वन रक्षक के लिए नहीं, हमने क्षेत्र रक्षक के लिए दिया, क्योंकि क्षेत्र रक्षक जो है वो राज्य वाला है। कुछ भी कह सकते, मतलब बोलो ना, कुछ भी कह सकते लोग। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग को रखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, मैं जो आपसे कह रहा हूं। सर 20% सीट गर्ल्स की खाली रख दी इन्होंने, रखी नहीं है बेटा, वो जो गर्ल्स की सीट है इन्होंने गर्ल्स को बुलाया नहीं बेटे, समझने का प्रयास करो, गर्ल्स को बुलाया नहीं है। अभी इनकी अच्छी खासी खिंचाई चल रही है, इसके बारे में भी पुलिस में टेंशन ना लो। और अभी एक तारीख को सुनवाई है इन लोगों का, इन लोगों ने जवाब पेश किया है, क्या जवाब पेश किया देखते हैं इसमें, ठीक है। हाँ सर सरकार ऐसे ही बोल दे, तो नहीं मेरा जो आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोग अनुरोध इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करके आप आगे बढ़ते हैं और फिर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों पर रुलाएं, वो उचित नहीं है, ठीक। तो इसलिए थोड़ा दिमाग रखने का प्रयास करेंगे। दो चीज़ें हैं आप लोग ध्यान रखना, एक है ग्रुप ए, ग्रुप ए में आपका वन रक्षक, तो टॉप पर आप रखिए क्षेत्र रक्षक, टॉप पर रखिए क्षेत्र रक्षक, क्षेत्र रक्षक वन रक्षक, वन रक्षक के बाद रखिए आप क्या जेल प्रहरी, ये रखिएगा आप लोग क्या अपनी, ये सभी ए में ही है। और जो ग्रुप बी में है वह है आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, उसको ग्रुप बी में रखना। तो जिन लोगों के पास स्नातक है वो लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना, और जो लोग स्नातक नहीं, जो लोग सिर्फ 10th और 12th पास है वो लोग सिर्फ इनको भरना, ठीक, ध्यान दिमाग रखना आप लोग। जो लोग स्नातक भी है तमाम चीजें तो उसको भरना। अब बच्चे सोच रहे हैं सर क्या एक पेपर होगा कि अलग अलग पेपर होगा, देखो मेरा ये मानना है कि दो पेपर होगा, दो पेपर मतलब एक पेपर इसका एक पेपर इसका, तो जो बच्चा दोनों दे रहा है उसको ये भी देना है उसको ये भी देना है, लेकिन जो बच्चा सिर्फ इसको देना है तो उसको एक पेपर देना बस। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है, जैसे अभी आप लोगों ने रेडियो का पेपर हुआ था, रेडियो कांस्टेबल पेपर हुआ था, उसमें वैसी चीज है जी। दूसरी चीज पार्ट बी के लिए और पार्ट ए के लिए इसकी फीस अलग होगी, इसकी फीस अलग होगी, तो उससे पता चलेगा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जो इसका पेपर दे रहे हैं वो सिर्फ 10th 12th वाले बच्चे दे रहे हैं, जो इसका पेपर दे रहे हैं ASJ का जो पेपर, DJ का जो पेपर जो लोग देने जा रहे हैं वो लोग पेपर दे जा रहे हैं किसका, स्नातक वाले। तो ये दिमाग रखेंगे आप लोग जी। एकेडमी में काम करता हूँ मैं, थोड़ा लाइव हूँ ना यूट्यूब। हाँ सर चलिए, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने अब क्या है कि इन लोगों से व्यापम वगैरह से बात करते हैं ना, तो
और मेरी आदत है कि मैं किसी की रिकॉर्डिंग डाल नहीं सकता, है ना। जो आप लोग जो रिकॉर्डिंग किसी की डाल देते हैं बिना पूछे, गलत होता है, इलीगल होता है, अवैध होता है, और मैं वकील होने के नाते गलत नहीं कर सकता। उनसे बात हुई तो इस बारे में उन्होंने साफ तौर पर उनसे भी इस बात का अवगत कराया गया कि देखो भाई, आप साफ साफ एक बात कर दो। पहली बात तो उनको खुद ही जानकारी नहीं है प्रॉपर तरीके से, बोले वो जो ऊपर से बनाया गया, मतलब ऊपर से पूछ के बताओ ऊपर वालों ने क्या कह रखा है। तो ऊपर वालों ने कहा भी मंथन हो रहा है, मतलब मंथन जब हो जाए तो बता देना, और बता कैसे देना, वेबसाइट पे डाल देना, क्योंकि रूल बुक में आपने लिखा है कि एक ही जिला, और आपने लिखा है कि एक से ज्यादा जिले अगर डाल दिया किसी ने तो आवेदक आपकी आवेदन चीजें निरस्त हो जाएंगी। ये तमाम चीजें जो है सही नहीं है, बहुत ही गलत है।